गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमास एडिट। तो फिर से लेके आगे एक और वीडियो। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस सॉन्ग पे, नैन कटारी वाले पे। तो एक बंदा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था भाई इस सॉन्ग पे वीडियो लेके आओ, नैन कटारी वाले पे। तो इसी सॉन्ग पे मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, जो 3D वाला वीडियो होने वाला है, जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा, साइड में भी देख सकते हो। इसमें मैंने साउंड को म्यूट कर रखा था, ठीक है। तो साउंड को इसलिए म्यूट कर रहा था ताकि आपको कॉपीराइट का बहुत ही ज़्यादा इश्यू आ रहा था भाई लोगों इस सॉन्ग पे, तो मैंने साउंड को म्यूट कर रखा था। अगर आपको इस मतलब इस सेटअप को आपको पूरा देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते वीडियो। बताता हूँ इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हो। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको केवल एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम अलाइट मोशन एप्लीकेशन। अलाइट मोशन एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से जाके वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो और इसमें जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया ओल प्रोजेक्ट, ठीक है, ओल प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक पासवर्ड प्रोटेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखना, उसमें ओल मटेरियल लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये ओल इफेक्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको सभी इमेज के वगैरह, बस आपको इमेज लगाना और आपका वीडियो कम्प्लीटली बन जाएगा। इसमें पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके रख रखा है मैंने, ठीक है। तो आपको केवल प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करना नहीं आता तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उस वाली वीडियो को भी देख लेना, तो आप इंपोर्ट करना भी सीख जाओगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो। आ गए अलाइट मोशन एप्लीकेशन पे, तो आपको सबसे पहले ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना। देखिए अमास एडिट 3D इफेक्ट, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी, उस वाली वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप आई बटन में भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद इसे ओपन करना। ओपन करने के बाद में इसको कुछ इस प्रकार से, इसमें देखिएगा, कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एक इमेज, एक नंबर इमेज, दो नंबर इमेज, तो इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। तो आपको केवल यहाँ पे फोटो वगैरह लगाना है, ठीक है, और आपका वीडियो कम्प्लीटली बन जाएगा, ठीक है। केवल आपको फोटो लगाना, इतना आसान स्टेप से बता रहा हूँ, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, तभी आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ, नीचे जाओगे लेयर है, ठीक है, ये इस लेयर में देखिए नीचे सॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सॉन्ग काम नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले इस सॉन्ग को हटा देना। सॉन्ग को हटाने के लिए इस पर क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे देखिए डिलीट का आइकन आ रहा है, डिलीट पे करके इसको डिलीट कर देना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करना, और यहाँ से देखिए ऑडियो पे क्लिक करना। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका सॉन्ग है, यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करना। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद सॉन्ग पे क्लिक करना, ठीक है। सॉन्ग पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सॉन्ग यहाँ पे पूरे जितने भी सॉन्ग हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको इस सॉन्ग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में ये सबसे नीचे आएगा आपका, ठीक है। तो ये सॉन्ग है ना आपका सबसे नीचे आएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सॉन्ग आने के बाद में यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा आपका जो सॉन्ग भी लग चुका, ठीक है। अब आपका सॉन्ग एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखिए इसको आपको, देखिए मैं बता देता हूँ आपको ये सॉन्ग कहाँ तक रखना है, ठीक है। तो आपको ये सॉन्ग रखना है यहाँ तक, ठीक है, ये लेयर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आपको ये सॉन्ग रखना है, ठीक है, मतलब 23.6 सेकंड तक। और जो भी पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट उसको काटना है, तो इस सॉन्ग वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट जाएगा, ठीक है। अब आपको केवल फोटो लगानी है। फोटो लगाने के लिए फिर से आपको नीचे सबसे नीचे लेयर पे चले जाएंगे, ठीक है, एंड वाली लेयर पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अमास एडिट, तो इसमें आपको बैकग्राउंड फोटो लगाना। तो बैकग्राउंड फोटो लगाने के लिए इसी लेयर पे आपको क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कलर एंड फिल, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टार आ रहा है, इस स्टार वाले आइकन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पे एक बैकग्राउंड फोटो लगाना। तो बैकग्राउंड फोटो लगाने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद में ये वाला बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ओल मेटेरियल लिंक के अंदर, ठीक है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड लग चुका, ठीक है। अब आपका जो फोटो लगानी, अब आपको फोटो लगानी बाकी, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए इमेज एक, इमेज दो, तो यहाँ पे फोटो लगाना, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर, देखिए एक नंबर दो बार आ रहा है, दो नंबर दो बार आ रहा है, तीन नंबर दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही फोटो को आपको दो बार लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं फर्स्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर इमेज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस वाले स्टार वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फोटो, जो भी आपको फोटो लेनी है वो फोटो लगा लीजिए। देखिए मैं एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये वाली फोटो ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, ये फोटो आ जाएगी। उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा फिर से आपको जहाँ एक नंबर इमेज फिर मिल रहा, फिर से यही फोटो लेनी है, तो फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर से कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद में देखिएगा, और फिर से स्टार वाले आइकन पर क्लिक करना, उसके बाद में फिर से यही वाली फोटो ले लेनी, ठीक है।
तो फिर उसके बाद में प्लस पे क्लिक करना, तो जहाँ पे एक एक नंबर दो बार आ रहा है तो आपको दो बार फोटो लेना है, ठीक है। एक यहाँ पे भी देखिए दो नंबर आ रहा है, तो दो नंबर इमेज पे भी आपको ऐसे क्लिक करोगे, उसके बाद में ठीक है फिर से कलर एंड फिल पे क्लिक करना, उसके बाद में इस स्टार वाले आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करोगे स्टार वाले आइकन पे, और इसके बाद में सेकेंड फोटो ले लेना है, और उसके बाद में प्लस पे क्लिक करोगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर अगली फोटो देखिए दो नंबर वाले इमेज फिर से आ रहा है, ठीक है, तो फिर से इस पर क्लिक करना, उसके बाद में फिर से कलर एंड फिल पे क्लिक करना, उसके बाद में स्टार वाले पे क्लिक करना, उसके बाद में फिर से इस पर क्लिक करना स्टार वाले पे, उसके बाद में फिर से फोटो आपको वही वाली फोटो सेलेक्ट कर लेनी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी फोटो है एक नंबर दो नंबर जो भी लगानी है वो सभी फोटो लगा लेनी है। तो आपको मैंने 7 फोटो लेनी है, ठीक है, ओनली 7 फोटो लगाना है और आपका वीडियो कम्प्लीटली बन जाएगा, ठीक है। एक फोटो को आपको दो बार लगाना है, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, 7 नंबर दो बार है, 6 नंबर दो बार है, तो यहाँ पे एक फोटो को आपको दो बार लगाना है। तो इस प्रकार से आपको सभी फोटो लगा लेना है, तो मैं जल्दी से सभी फोटो लगा लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बताता हूँ आपको। सो ओके गाइस, देखिए मैंने सभी फोटो कम्प्लीटली लगा लिए, अब आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से बना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो पूरा जितने भी फोटो थी मैंने एक नंबर दो नंबर, तो आपको हर फोटो को दो बार लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा हुआ रहेगा, एक नंबर दो बार लिखा हुआ रहेगा, तो एक फोटो को आपको दो बार लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी फोटो थी सभी लगा लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, कैमरे वाले पे, और यहाँ पे ये वीडियो है इसको आपको अनेबल कर दीजिए, ठीक है। ये हाइट रहेगा तो इसको अनेबल कर देना, अनेबल जैसे ही करोगे तो आपका वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका है, देखिएगा। एक बार आपको चला के दिखाता हूँ, तो वीडियो देखिए कुछ इस प्रकार से बन के कम्प्लीटली बन चुका है। तो इस प्रकार से आपका वीडियो पूरा 3D के अंदर कम्प्लीटली बन चुका है। अब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे एक्सपोर्ट करना, वीडियो पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। अब इसमें आप अपना खुद का लोगो लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, तो लोगो लगाने के लिए यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए मीडिया पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए फोल्डर पे क्लिक करना, फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में जिस भी फोल्डर में आपका लोगो है उस लोगो को आपको यहाँ पे लेके आ जाना। तो देखिए मेरा लोगो लेके आ जाता हूँ मैं, देखिए कहाँ पे लोगो, तो सो ओके गाइस, ये रहा, ठीक है लोगो। तो लोगो लगाने के बाद अगर इस प्रकार का आप अपना खुद का लोगो बनाना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। तो इस प्रकार का लोगो बनाना सीख जाओ, उसके बाद में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद में अब इस लोगो को देखिएगा, ये लोगो यहाँ पे आ चुका, अब इसको आपको एंड तक करना, तो एंड में चले जाना, ठीक है। एंड में जाने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये लोगो का लेयर एंड तक आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ चुका, ठीक है। अब इस लोगो को आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा ये लोगो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आपका वीडियो का पूरा काम कम्प्लीटली हो चुका है। अब इस लोगो की आप साइज कम करना चाहते हो तो यहाँ से आप साइज भी कम कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो अब आपका वीडियो पूरा कम्प्लीटली हो चुका है, तो अब इस वीडियो का एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले एरो पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस वाले एरो पे क्लिक करोगे उसके बाद में वीडियो आ रहा है, ठीक है। वीडियो के इस वाले आइकन पे क्लिक करना, ठीक है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना। इस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद जो भी रिजोल्यूशन रखना चाहते हो रख दीजिए। तो मेरे फ़ोन में 1080 सपोर्ट करता, देखिए यहाँ पे 1020 मतलब 720p भी रख सकते हो आप, आपके फ़ोन में जो सपोर्ट कर रहे हैं वो रख दीजिए। तो मेरे 1080 सपोर्ट कर रहा है तो मैं 1080 रख लेता हूँ, और इसको आपको फुल कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी, इस क्वालिटी को फुल कर लेना, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। तो चलो ये एक बार पूरी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए, उसके बाद में एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। लगी मर कल जियर पार गोरी थारी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको अगर वीडियो बनाने में फिर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को यार इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और वहाँ पर जाके आप मेरे को कमेंट करना तो मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो चलो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।